तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं BVMI का कुछ कंसेप्ट। तो आज हम बेसिकली एक प्रोजेक्ट पे डिस्कस करने जा रहे हैं सर। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया था कि उन्हें एक मैक्रो चाहिए जो कि एक मेलिंग का मैक्रो होना चाहिए। एक पर्टिकुलर फाइल में कुछ, एक पर्टिकुलर फोल्डर में कुछ एक्सेल के फाइल्स हैं, उन फाइल्स को वो चाहते हैं मेल करना, ठीक है। तो चलिए इसी प्रोजेक्ट पे आधारित हम आपके साथ आज की क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मैंने लूप में भी आपको सिखाया था कि किसी पर्टिकुलर फोल्डर में कितने फाइल्स हैं और फाइल्स का नाम कैसे पता चलेगा। तो डू आई लूप जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इसके लिए हमने आपको DIR फंक्शन के बारे में बताया था। तो कमलेश जी, अंकित जी और सुबेर जी, DIR फंक्शन आपको पता है? No, sir. क्यों, आपने डू वाइल क्लास नहीं ली थी क्या? डू वाइल, हाँ वो आता है, वो आता है। तो डू वाइल में मैं बताया था ना कि एक फोल्डर में जितने भी फाइल है उस फाइल का लिस्ट कॉपी पेस्ट कर देता है, तो DIR फंक्शन के जरिए करा था मैंने। चलिए तो सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि मान लीजिए कि यहां पे एम्प्लॉय कोड और यहां पे ईमेल आईडी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 राइट, और यहां पे मैं देता हूं ईमेल आईडी अलग अलग। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मेरे पास एक ईमेल आईडी है और मैंने एक पर्टिकुलर फोल्डर, जैसे कि मैंने डी ड्राइव के अंदर 2017 ले लीजिए, 2017 के अंदर मैंने यहां पे मैं सेवन है, इस पर डिलीट मार देता हूं। यहां पे मैं एक
पांच फाइल बना देता हूं, मान लीजिए दो तीन चार एंड पांच, ठीक है। अब मैं आउटलुक के जरिए मेल करना चाहता हूं, तो इस मेल आईडी को उठाए और जो इम्प्लॉई कोड है, इस इम्प्लॉई कोड का नेम का फाइल इस लोकेशन में उठाए और मेल कर। हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है, ठीक है, कि मुझे इन पर्सन को मेल करना है। इसका अटैचमेंट जो है, उसका अटैचमेंट यहां पड़ा हुआ है सेम इम्प्लॉई कोड के अकॉर्डिंग नेम से, और इस इम्प्लॉई कोड का उसी का फाइल भेज दे, ठीक है। तो चलिए इसलिए सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं, फिर हम दूसरे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सब्जेक्ट हेलो बोलिए। हेलो सर, ये तो मेल मर्ज से भी हो सकता है ना? मेल वर्ड से अटैचमेंट नहीं जाएगा ना, मेल मर्ज से आप जो है मेल की बॉडी पे भेज सकते हो कुछ पर्टिकुलर लेटर को पेस्ट करके, लेकिन उसकी फाइल कैसे नहीं, भेजेंगे? अटैचमेंट के लिए हम एडियंस का यूज कर सकते हैं। क्या एडियंस? एडेंस मिलता है ना गूगल पे? अच्छा नहीं, अटैचमेंट्स नहीं जाएगा, मेल मर्ज के थ्रू अटैचमेंट नहीं जाता है। ठीक सर, है, मेरे एचआर वाले मुझे भेजते हैं ना फाइल पीडीएफ अटैच करके भेजते हैं मेल मर्ज के थ्रू। हाँ तो जो एडिस बना होगा वीवी के थ्रू ही तो बना होगा ना, माइक्रो होगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं, तो यहां पे करते हैं डिम को एज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्योंकि ये हमारा, हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक्सेल में आउटपुट को एक्सेस करने जा रहे हैं, तो डेटा टाइप में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। डेटा टाइप में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट डालना जरूरी है। और फिर मैं यहां पे डिम, एक आउटलुक एप्लीकेशन हो गया और दूसरा आउटलुक मेल हो गया ऑब्जेक्ट। फिर करते हैं सेट ओ इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। एक कोड होता है कि एक्सेल के अंदर में किसी भी अदर एप्लीकेशन को खोलने के लिए, तो किस एप्लीकेशन को खोलना है, तो आउट लुक डॉट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। उसके बाद हम करते हैं सेट एम इक्वल टू ओ डॉट क्रिएट आइटम, क्योंकि आइटम क्या है, मेल है, तो क्रिएट आइटम, और यहां पे हमने जीरो दिया हुआ है। और क्रिएट आइटम जो है CTE, अब कहते हैं हम कि विथ एम, विथ एम, अब यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा लूप, कि फोर आई इक्वल टू 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 चले सिक्स, और डॉट टू इक्वल टू रेंज बी के साथ कॉन्कैटनेट हो आई डॉट वैल्यू। उसके बाद सीसी रखना है तो सीसी, नहीं रखना तो ये देने की जरूरत नहीं है, तो बीसीसी रखना है तो बीसीसी,
बीसीसी नहीं रखना है तो ये इक्वल ये डालने की भी जरूरत नहीं है, टू सब्जेक्ट डालना है। तो यहाँ पे मैं रख दिया सब्जेक्ट इक्वल टू डेटा फाइल, जो भी अटैचमेंट देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। और बॉडी, मेल की बॉडी भी क्या लिखना है, तो मेल के बॉडी पे मैंने लिख दिया डियर सर। लेकिन इसके बाद मैं एक न्यू लाइन चाहता हूं, तो इसके साथ एड करूंगा वीवी न्यू लाइन विद &%, प्लीज फाइंड अटैच नेम ऑफ डेटा। उसके बाद अगेन मैं यहीं पे वी विल न्यू लाइन करूंगा ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब एक ही लाइन में चला चल जाएगा ना इसलिए। और यहां पे रिगार्ड्स फिर &% वी विल न्यू लाइन, और अपना नेम जो लिखना चाहते हो लिख दीजिए, तो मेल बॉडी पे पेस्ट होगा। अब बात करते हैं अटैचमेंट, इसकी बात करते हैं अटैचमेंट। तो अटैचमेंट में यहां लिखेंगे अटैच NEMTS अटैचमेंट्स डॉट एड डॉट एड, और इसमें इसका पाथ जो भी पाथ है हमारा फोल्डर का पाथ जो होगा वो पाथ, लेकिन पाथ में हम यहां देते हैं रेंज ए के साथ कंबाइन होगा आई डॉट वैल्यू। अटैचमेंट की स्पेलिंग सही है ना, AtchNEMTS डॉट सही। उसके बाद यहां पे लिखेंगे डॉट सेंड, डॉट सेंड और फिर एंड। अब देखते हैं इसमें कोई एरर ना आए। और नेक्स्ट हमने लगाना भूल गया। नेक्स्ट चलिए, वेरीफाई द पाथ, पाथ में गड़बड़। अच्छा हाँ, हमने फाइल का एक्सटेंशन तो डाला ही नहीं, हमें फाइल का एक्सटेंशन डालना होगा ना। इसका फाइल का एक्सटेंशन क्या है, यह है डॉट एक्सएलएस एक्स, क्योंकि बिना एक्सटेंशन के तो कोई फाइल लेगा नहीं ना। डॉट एक्सएलएस एक्स, एक मेल तो चला गया, एक मेल वन एक्सलेस चला गया, अब दूसरा मेल तो नहीं जा रहा। ओके, दूसरा मेल इसलिए नहीं जा रहा है कि हमने लूप उठा के यहां लगाना। अब दूसरा मेल नहीं जाएगा, देखिए छह फाइल भेज दिया ना, कुमार जीमेल वन, ठीक है सुनाया सर। अब बताइए इसमें कि कोई डाउट है आप लोगों को,
सर वहां पे अगर पीडीएफ रहेगा तो एक्सएलएस की जगह पीडीएफ करना है क्या? हाँ जो भी फाइल हो पीडीएफ। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले जितना ईमेल आईडी है उसका उतना इम्प्लॉय कोड है। तो ये यहाँ से ईमेल आईडी उठा रहा है, यहाँ से इम्प्लॉय कोड और हमने जो पास दिया हुआ है उस पर्टिकुलर पास से उसी इम्प्लॉय कोड का एक्सेल की फाइल उठा के और फिर उसको मेल कर रहा है। और मेल वडी पे देखिए हमने जो बीवी न्यू टैब लगाया था इसलिए अब देखिए थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो एक दो और स्पेस चाहिए तो न्यू टैब एक दो बार और लगा दीजिए आप, यहाँ नीचे और आ जाएगा। एक बार जस्ट हमने यहाँ से रन किया तो जितने भी ईमेल आईडी चाहे एक हो चाहे 1,000 हो चाहे जितना भी हो वो आउटलुक के जो डेली मेल भेजने के लिमिट्स होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपका मेल आउटलुक के जरिए एक क्लिक पर भेज देगा और यहां पर थोड़ा भी गलती नहीं करेगा, जिसके सामने जिसका ईमेल आईडी है उसी का उठाएगा। बेसिकली इसका यूज हम लोग करते थे सैलरी स्लिप भेजने के लिए, ठीक है। हमने हमने एक फॉर्मेट बना रखा था कि उस फॉर्मेट में ईमेल आईडी डालता था, उससे पीडीएफ जनरेट होता था और उस पीडीएफ को उठा के वो उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भेज देता था। मतलब 1500 स्टाफ है तो विद इन सेकेंड में वो 1500 स्टाफ को उसका सैलरी स्लिप की जनरेट करके भेज देता। सेम इस कोड से एक कोड जस्ट भेजने का काम करती है, पीडीएफ जनरेट करने का एक अलग कोड है, तो उसके लिए वो कोड आपको निकालना। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को, अंकित जी, कमलेश जी एंड आपके जो भी है बाकी लोग? यस सर, यस सर, अब दूसरा है कि मैं चाहता हूं, मेरे पास ये यहाँ पे डेटा बना हुआ है, मेरे पास यहाँ पे डेटा बना हुआ है कि भाई कितने लोगों को भेजना है, लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरी एक ईमेल आईडी जैसे kumar@iptindia.com की आईडी है, मुझे इस आईडी पे इस फोल्डर में जितने भी फाइल्स हैं उन फाइल्स को मेल करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, तो चलिए इसके लिए हम आपको कोड बताते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहां पे है कि एक ही बार में भेजना है, तो सब्जेक्ट मेल अंडरस्कोर टू या वन जो भी कर लीजिए अंडरस्कोर। अब यहां पे हम सेम करेंगे टीम ओ एज ए ऑब्जेक्ट एंड डिम एम एज ए ऑब्जेक्ट और एक और डिम एफ एन एज ए ऑब्जेक्ट। सेम प्रोसीजर लेंगे जो हमने ऊपर लिया था और ए भी हमारा जो है सेम प्रोसीजर। टू विथ एम ये भी सेम होगा, इससे थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसमें ईमेल आईडी हमारा फिक्स होगा, यहां पे हम kumar@iptindia.com हमने डाल दिया और यहां पे सब्जेक्ट डेटा फाइल है और जो भी है वही रहेगा अटैचमेंट। अब यहां अटैचमेंट में हम थोड़ा सा ये करें, अटैचमेंट में ऊपर यहां हम करेंगे एफ एन इक्वल टू डी आई आर और डी आई आर के अंदर हम पाथ देंगे और पाथ हमारा क्लियर। यहां पे स्टार डॉट एक्सएलएस एक्स और वीवी नॉम और उसके बाद यहां लिखेंगे डू वाइल एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक।
और अटैचमेंट डॉट एड और इसके साथ कंबाइन होगा और यहाँ पे और देन सेट। तो ये काम करना चाहिए। ओके यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे स्ट्रिंग होना चाहिए, तो ना कोई गलती हो ही जाती है। रन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओ, एक छोटी सी गलती हो गई, छोटी सी गलती हो गई। यहां पे करना पड़ेगा एफ एन इक्वल टू डी आई आर। आप सही हो, आप देखिए ठीक है कि पांचों फाइल को इसमें एक साथ अटैच करके मेल कर दें। तो कैसे किया मैं बताता हूं। डी आई आर फंक्शन बाकी सभी सेम है। डी आई आर फंक्शन क्या करता है कि आपके इस एक्सटेंशन में, इस लोकेशन में जितनी भी एक्सेल की फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन वो स्टोर एक बार में एक ही को करता है। मैंने लूप लगाया यहां पे कि एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक। Fn जो है नॉट इक्वल टू ब्लैंक मतलब कि Fn ब्लैंक में इस पे डेटा हो तब तक चले और इसको अटैच ऐड करे। और वापस हमने नीचे जो ये लगाया, लगाने का पर्पस यही था क्योंकि इस पे दूसरा नाम ऐड हो जाए। जितने भी फाइल्स होंगे DIL फंक्शन के माध्यम से ये आपके Fn पे लोड हो जाएंगे और Fn इसको देता चला जाएगा किसका अटैचमेंट और सारे फाइल अटैच हो जाए। जब सारे फाइल्स खत्म हो जाएंगे तो डू व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लूप बाहर आ जाएगा, फिर ये सेंड कमांड काम जो है सेंड अपना काम कर देगा। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसमें एक्सटेंशन अगर हम स्पेसिफाई ना करें तो फिर एक का बोलने हैं वो। अगर कहने मतलब है एक्सटेंशन हमें आता तो जितने भी फाइल्स है सारे फाइल्स भेज दें स्टार्ट डॉट स्टार्ट। ठीक, तो जितने भी एक्सेल फाइल होंगे सबको भेज देगा वो, जितने भी फाइल्स होंगे नॉट एक्सेल हर फाइल पे। एक्सटेंशन तो इसलिए डाला गया है ताकि आपकी मैं क्या बोल रहे हैं मेल बॉडी पे अगर टेबल भेजना हो तो टेबल भेजना मतलब कि मेल बॉडी पे पेस्ट करके भेजना चाहते हैं आप? यस सर। हाँ तो उसका अलग मेथड है, वो आगे बताऊंगा उसका। वो इसके जरिए होता है एनवेलप के, एनवेलप विजुअल के जरिए होता है। सर एक चीज पूछना था। ये जो आपने मेल इनवेलप जो बताया उसका मैंने एक आपका यूट्यूब वीडियो देखा था, उसमें एक एरर ऐसा आता है सर जैसे कि जो अटैचमेंट हमें लगानी होती है और वही सेम मेल खुला हुआ रहता है देन वो सेंड नहीं कर पाता है। जो मतलब कि जिस फाइल को आप मेल करना चाहते हो वही फाइल अटैच करना चाहते हो? हाँ 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 नहीं होगा मतलब डैशबोर्ड पे भी वही दिखे और अटैचमेंट पे भी वही जाए? नहीं नहीं वो बेसिकली उसकी कॉपी नहीं कर पाता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो उसका कोई अल्टरनेट भी हो सकता है क्या सर? सेव एज कर दीजिए, उसमें सेव एज या कमांड डाल दीजिए कि सेव इसकी सेव कॉपी एज कर दीजिए ताकि कॉपी बना के फिर उसको भेज देगा। अच्छा पहले उसको सेव करके अलग कॉपी बनाएगा फिर उसको अटैच करेगा? हाँ। ओके।
और कोई डाउट किसी को? तो ये दो मेल्स हैं, दो कोड्स हैं, एक है कि डिफरेंट डिफरेंट मेल आईडी पे डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स को मेल करेगा, दूसरा है एक ही मेल आईडी पे फोल्डर के जितने भी अटैचमेंट्स है उसको अटैच करके भेजेगा। दो कंसेप्ट है जिसको आप लोग अपने हिसाब से इसको ट्राई करके देखिएगा, कोई एरर होगा कोई डाउट होगा तो मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइल मैं आप सबको मेल कर देता हूं और इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में यूट्यूब पे आ जाएगी, तो वहां से आप ले लीजिए। सर एक मेरे पास फॉर्मूला है, वो एक्चुअली मैं आपको भेज रहा हूँ, एक बार उसको थोड़ा सा समझना था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भेज दीजिए, मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। सर जी ठीक है सर, ये अपना स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है वीडियो अभी? गूगल कमलेश जी वही वीडियो बी में होता है, ड्राइव में। तो यूजर नेम पासवर्ड जो आपने दिया था लास्ट टाइम वही गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव पे मेरे यहाँ लेटेस्ट वाला अपडेट नहीं हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं अपडेट है सर, मैंने डाल दिया था, देख लीजिए। मैं कर रहा हूँ डाउनलोड हो, मतलब अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट नहीं हो रहा, पुरानी ये वीडियो सब है इसलिए बोल रहा हूँ। आज सुबह ही सारी वीडियो अपडेट की मैंने, एक बार ट्राई कर लीजिए फिर देखूंगा कोई दिक्कत होगा। ओके ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ एक बार वापस। ओके बाय, गुड नाइट।